वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सत सवेरा, मदीहा दाऊद के साथ लाइव प्रोग्राम है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका मेरा साथ है। और आज मैं स्टूडियोज़ में शेख जवान रज़ा जावा साहब मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। आपके बर्थ चार्ट जो हैं वो हम इनसे अब इंशाल्लाह ताला बनवाएंगे। लेकिन प्रोग्राम में इससे पहले सानिया कराची के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। सानिया कराची पूरे वतन की अगर हम देखें, फिज़ा जो है वो सोगवार है, पूरा वतन जो है वो इस टाइम दुख में है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो सच सवेरा के प्लेटफॉर्म से मुझे ये मौका है मिला हुआ है, और आई एम वेरी लकी कि मेरी अब बात और मेरा कही हुए मैसेज जो है वो इस टाइम हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं वो देख रहे हैं। तो मैं दहशतगर्दों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि खुदारा आप अपने लिए दोज़ख का सामान मत ख़रीदें। आप खुद गलती पे हैं। आपको क्या लगता है कि मासूम लोगों की जानें लेके आप लोग जन्नत में चले जाएंगे? आप किस तरह का इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? ज़रा सा अपने आप को देखें, आप अपने आप को जज करें कि आप कहाँ पे गलती पे हैं। अगर आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सीरत की किताब ले लें बस, और आप उसको पढ़ लें, तो आप देखेंगे कि आप किस कहाँ कहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उम्मती हैं, जिनको हम मानने वाले हैं, वो तो दुश्मनों के साथ इतने हुस्न सलूक से पेश आते थे। आप अपने ही मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं और आप जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं। ये बहुत गलत है। प्लीज़ मासूम लोगों के लिए इस दुनिया को जो है वो पुरअमन रहने दें। उनका हक है ज़िंदा रहना, उनका हक है कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आपको कोई राइट ही नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी ले लें। किसी को कोई राइट नहीं है कि वो किसी की भी ज़िंदगी जैसी खूबसूरत चीज़, इतनी कीमती चीज़ जो है वो उससे ले लें। सिर्फ जन्नत की लालच में आपको जन्नत मिलेगी भी नहीं। इसमें जावा साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जो आप दहशत गर्दों की अगर हम मेंटालिटी पे हम बात करें? देखिए, इनकी मेंटालिटी की जो बात है वो तो क्या बात की जाए। एक्चुअली होता ये है कि बहुत साल पहले हमारे कुछ सियासी मामला ऐसे हुए, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। बहरहाल हो ये रहा है कि बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को मदारिस में लेके जाया जा रहा है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। इस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हम टीवी वगैरह पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम देख चुके हैं, फेसबुक पे, इधर उधर सब कुछ देख रहे हैं। सबको पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बात ये नहीं है, बात यह है कि वो किस फ़िका से हैं, क्या हैं, कैसे हैं। बात यह है कि वो इस्लाम को तो मानते हैं। अब अगर हम उस्वा मुहम्मदिया में देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा में जावा साहब, इस पे हम बात करते हैं। हमारे पास एक कॉलर है जो काफ़ी देर से होल्ड पे हैं, तो मेरी कोशिश है कि आज कॉलर्स को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। जी ज्यादा से ज्यादा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सिस्टर वकार, मैं बात कर रहा हूँ शालकोट से। जी वकार साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने मोहतरमा अपने ना बेटे का जायचा बनवा था, उसकी तबीयत के बारे में पता करना था। उसको मैं उसने मैट्रिक के पेपर दिए हुए हैं और उसने साइंस की हुई है। अच्छा, आप किसी मुनासिब जगह पे आए ताकि मैं आपको आवाज़ आपकी प्रॉपर सुन सकूँ। इससे पहले मुझे आपकी आवाज़ सही आ रही थी। आपने अपने बेटे का जायचा बनवाना है, बेटे का नाम क्या है? जी उसका नाम है जी अली सामन, उसका नाम है अली सोमरो। ठीक है, अली सामन। अली, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ? अली सामन जी। ठीक है अली सामन, डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? इसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 1 जुलाई 1999, 1799। ठीक है, 1999। और ये कहाँ पैदा हुए हैं? ये सियालकोट में पैदा हुआ है जी इसका, और डेट ऑफ बर्थ टाइम है जी सुबह 7 बजे। अब बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं बेटे के सिलसिले में? जी इसका पता मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये मैट्रिक के इसने पेपर दिए हुए हैं और इसने साइंस रखी हुई है, कंप्यूटर साइंस। तो अभी ये प्री इंजीनियरिंग जो है वो सब्जेक्ट इसने सिलेक्ट किया हुआ है, और ये जो है ना इसको मैं पढ़ाऊं कैसे? ये इसी साइड पे जाए तो ठीक है, और इसके माली हालात कैसे रहेंगे? तो ये मुझे बता दें, और अगर मेहरबानी आप करें तो आपको एक और दूसरा, 9th क्लास में मेरा बेटा पढ़ता है, उसका भी बता। अच्छा, एक वक्त पे क्या कहते हैं वकार साहब, एक ही जायचा जो है, बर्थ चार्ट जो है वो बनता है, ताकि मैं चाहती हूँ कि और लोगों को भी चांस मिले, क्योंकि कॉल से वो बड़ी मुश्किल से कनेक्ट होती है। इंशाल्लाह आपके दूसरे बेटे का भी जायचा हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अभी आपकी आवाज़ जो है मुझे सही तरह से सुनाई नहीं दे रही थी, आप किसी मुनासिब जगह पर नहीं थे। तो हम अली जो आपके बेटे हैं उनका बर्थ चार्ट जो है वो बना देते हैं।
और जब भी कोई क्वेश्चन करें आप लोगों से मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जो है वो अपने माइंड में क्लियर रखा करें कि कौन सी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप पूछना चाह रहे हैं। जावा साहब के लिए भी बताना आसान होता है और मेरे लिए भी पूछना आसान होता है। अच्छा जी, अली इनके बेटे का नाम है, अली जामिन 1 जुलाई 1999 को सियालकोट में सुबह 7 बजे पैदा हुए हैं। जी, मैंने इनका जायचा बन चुका है जी। और जो इन्होंने मैट्रिक का अभी रेफरेंस दिया कि मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, मैट्रिक का एग्ज़ाम बेटा इंशाल्लाह क्लियर कर लेगा, लेकिन आगे जो प्रॉपर कैरियर है उसके हवाले से इनको बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। ये बच्चा थोड़ा सा इनका मूडी है और वक्ती तौर पे इनको लग रहा होगा कि शायद ये एजुकेशन में उतनी जो इनकी एक्सपेक्टेशंस है उतना रिज़ल्ट नहीं दे रहा, लेकिन आगे जाके ये बेहतर हो जाएगा। अच्छा, और माली हालात कह रहे हैं? माली हालात इस बच्चे के अच्छे हैं, लेकिन अगर इसने जज्बाती होकर अपने कैरियर के हवाले से जल्दबाजी में फैसले मत किए ना। अच्छा, तो अच्छा जावा साहब, माली हालात के लिए जो हर शख्स का डिफरेंट स्टोन होता है। अच्छा, उसके उसके मुताबिक होगा। चलिए जी, हम लोग देखें जनरल में तो जो बुक्स में और बाकी है वो तो जनरल होता है। जब हम जैसे आपके थ्रू आपके तवसत से लोगों को मैं ये अवेयर करना चाहूँगा, जब उसका बर्थ नेटल चार्ट बनता है तो फिर हम देखते हैं कि एट द बर्थ टाइम उसके चार्ट में प्लेनेटरी पोजिशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको स्टोन रेमेडीज रिकमेंड करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, और सदकात के हवाले से बात हो रही थी कि इनफरादी तौर पे क्या सदकात देने चाहिए? देखिए, इनफरादी तौर पे आप सुर्ख मुर्ख का एक सदका दें, इसमें मुर्ख मैंने कहा है, मुर्गी नहीं, ये बड़ा अहम है, ये बात इसको समझ लें कि मुर्ख का और मंगल वाले दिन दें, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, कम अज़ कम कम अज़ कम आप जो है वो महीने में जो सबसे पहली चाँद के हिसाब से जो सबसे पहली मंगल आती है उस दिन कम अज़ कम एक मुर्ख तो लाजमी दे लें। उसके बाद की जो बात है और रेगुलर, तो मैं इतना छोटा सा सदका आपको बता देता हूँ जो हर फर्द आसानी के साथ कर सकेगा और उसकी पॉकेट पे कोई बोझ भी नहीं बनेगा। सुर्ख मिर्च लें, साबित, पिसी हुई नहीं, सही, साबित आराम से अवेलेबल हो जाती है, इजीली मिल सकती है। 9 दाने उसके जो है वो आप बच्चे से अपने से उसके बार के उसको कहीं भी डिस्पोज ऑफ कर दें, उसको फेंक दें मंगल वाले दिन सुबह। स्पेशली ये जो अभी जो लहर चल रही है और जिसके बारे में मैं पहले भी इंडिकेट कर चुका हूँ कि मरीज की पोजीशन जो है वो नेगेटिव हुई है और अभी तो ये बुरजौजा में नहीं एंटर हुआ, बुरजौजा में इसके और मामला डिस्टर्ब है, फिर कैंसर में, सरतान में, जब ये जून एंड पे आएगा तो फिर बहुत टफ होगी। तो ये 4 महीने स्पेशली इस हवाले से जो है ना वो हर किसी को चाहिए कि वो 7 दाने लाल मिर्च के लेके, 9 दाने, अच्छा 9 दाने लाल मिर्च के लेके अपने परिवार के आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। अच्छा, वकार के जो अभी वकार साहब की कॉल आई थी अपने बेटे अली जामिन के बारे में, काफ़ी परेशान थे, मैं चाहूँगी एक दफ़ा फिर से अगर आप इनका हमें बता दें। जी, मैंने इनका बताया कि ये मैट्रिक के जो एग्ज़ाम है ये तो इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे और इंशाल्लाह ये बच्चा हायर एजुकेशन में भी जा सकेगा और माली पोजिशन इसकी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ एक चीज़ बहुत अहम है, वो ये है कि ये अपने कैरियर के हवाले से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई फैसला मत करें। ठीक है, ठीक है। चलें जी, आपको बता दिया जावा साहब ने अली जामिन का, और कोई अगर सदका देना चाहेंगे? इनको चाहिए 2 किलो टूटा चावल, हर पीर को सदका दें और एक मोती जो है वो बेटे के गले में पहना लें, क्योंकि छोटा बच्चा रिंग्स वगैरह तो नहीं पहन सकता, उसके गले में पहना लें। सही, सही। रियल पर्ल जिसको हम कहते हैं मोती, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, कोई कॉस्टली भी नहीं है। सही, बेटे के गले में। चलें जी, मोती आप जो है वो जिस तरह से जावा साहब ने कहा कि छोटा बच्चा है रिंग नहीं पहन सकता या संभाल नहीं सकेगा, तो वो गले में इसका पेंडेंट जो है वो बना दे और आई थिंक इतना एक्सपेंसिव भी नहीं बनेगा। ठीक है जी, 8 4 6 6 0 6 पर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे तो 0501 का इजाफी कोड, ओवरसीज पैक साइन डायल करेंगे 0009251 8 4 6 6 0 7। जावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके बर्थ चार्ट्स बन रहे हैं और बर्थ चार्ट्स बनाने के लिए जनाब हमें क्या चीज़ चाहिए होगी? आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी। और लेट सपोज अगर आपको ये 4 चीज़ों में किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज है, लेट सपोज आपको अपना जो है वो मोस्टली ये होता है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो आप 1 से लेके 249 तक कोई भी एक डिजिट जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक जो है आपका वक्ती जायचा जावा साहब जो है वो बना देंगे। ठीक है जी, और साथ ही साथ आज हम आपको थोड़ा सा स्टार्स के हवाले से भी थोड़ी सी इन जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी तरह से हम आपको देते रहेंगे। और जावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे पास एक कॉलर भी है शायद। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं आमिर बात कर रहा हूँ, हवेलियाँ से। अमजद बात कर रहे हैं? नहीं, आमिर बात कर रहा हूँ। आमिर, आमिर एरोप्लेन।
जी जी आमिर क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैंने अपनी शादी के बारे में पूछना है साथ में। अच्छा आपकी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आमिर? 21 मार्च 1994। ठीक है, और आप कहाँ पैदा हुए थे? हवेलिया में। हवेलिया में, ठीक है, और आपको टाइम याद है? नहीं टाइम का एग्जैक्टली कोई पता नहीं है, और मैंने अपने हेल्थ के बारे में पूछना है, हेल्थ में काफी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा हेल्थ और के बारे में भी पूछना है, और मैंने कौन सी रिंग में पहनूं? अच्छा ठीक है, स्टोन के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, और शादी अभी कोई आप रिश्ते वगैरह देख रहे हैं या अभी नहीं है कोई इस तरह का सिलसिला? बस अभी फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अभी। अच्छा चलिए जी, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक करे कि आपको बहुत अच्छे जो है पार्टनर मिले जिसके साथ आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहे, पुरसकून रहे, ठीक है? आमीन आमीन, बस दुआएं करते रहें, बस दुआएं होंगी तो अभी काम चलेगा वरना नहीं चलेगा, घर वाले भी मानते नहीं है वैसे। सॉरी विजय मैंने आपको सुना नहीं। चले मैं कह रहा हूँ आप दुआ ही करेंगे तभी कुछ होगा, और कोई वजीफा वगैरह भी बता दें जी। अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, आप बेफिक्र रहें जी। और शादी के बारे में बस यही कहना चाहूँगी कि हमेशा कुछ लोगों की डिले भी हो जाती है, थोड़े वक्त देर से होती है, कुछ की जल्दी हो जाती है, जल्दी या देर से होना शादी इसमें किसी भी किस्म का कोई कमाल नहीं है, बस आपको आपका पार्टनर अच्छा मिलना चाहिए जिससे आपकी केमिस्ट्री मैच हो, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो, जो आपको अंडरस्टैंड कर सके और जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। और हमेशा से मैं कहती हूँ कि अपने पार्टनर को हमेशा एज अ ह्यूमन सबसे पहले ट्रीट करें, कि आपके साथ जो आपका साथी रह रहा है, चाहे वो आपका हस्बैंड है या चाहे वो वाइफ है, सबसे पहले वो एक इंसान है, उसको जीने का पूरा हक है, उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश का आप ख्याल रखा करें, ठीक है? और इसी तरह से ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है जब आप एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे से के साथ मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। जावेद साहब क्या कहना चाहेंगे आमिर के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में भी पूछना चाह रहे हैं और शादी के बारे में भी? पिछले कुछ अर्से से जो है वो उनके हेल्थ इशूज़ चल रही हैं, वो मेंटली स्ट्रेस की वजह से चल रहे हैं, और मैं इनसे कहूँगा कि ये एक दुर्रे नजफ़ अपनी लिटिल फिंगर में पहने और कम से कम इस साल शादी का ख्याल छोड़ दें, अगले साल जाके इनकी शादी एक्सपेक्टेड भी है और बेहतर भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, और इस साल इनको शादी नहीं करनी चाहिए। इनको शादी के हवाले से जो है वो क्या उसको कहते हैं जी, याकूत पहनना चाहिए, और अगर ये अपने हेल्थ इशूज़ को करना चाहते हैं तो दुर्रे नजफ़ पहने। अच्छा दुर्रे नजफ़ पहने, वो इनकी हेल्थ इशूज़ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा दुर्रे नजफ़ बड़ा खूबसूरत सा दूधिया रंग का जो है। इसमें दो तरह के होते हैं जी, बहरी और बर्री। अच्छा बहरी जो है वो क्रिस्टल टाइप का वाइट होता है, सही, और जो बर्री होता है वो हल्का सा दूधिया कलर का होता है। अच्छा सही सही। इनको जो है वो मतलब बहरी पहनना चाहिए, बर्री नहीं, बहरी। ये भी बड़ी एक सेंस है कि किसको कौन सा पहनाना चाहिए, रिकमेंडेशन तो हम करते हैं लेकिन हर बंदे को ये सेंस नहीं होती। अच्छा, कि हर पत्थर बहरी और बरी होता है? नहीं कि कुछ नहीं, दुर्रे नजफ़ के बारे में ये। अच्छा, दुर्रे नजफ़ के बारे में बेसिकली तो ये मौजज़ा है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कि ये बारिश होती है नजफ़ में, जो बारिश होती है ये उससे पत्थर होता है, ये कहीं से उगता नहीं है या कहीं भी वो पत्थर में से नहीं होता या समंदर में नहीं होता, ये बारिश के जो कतरे वो पत्थर बनते हैं। अब वो जो कतरे मतलब पानी वाली जगह पे पड़े हैं उसको हम बहरी कहते हैं, और जो सॉरी जो जमीन के ऊपर पड़े हैं उनको हम बर्री कहते हैं, उनका कलर में फर्क आ जाता है। अच्छा बड़े मजे के जो स्टोन्स के बारे में इनकी हिस्ट्री होती है ना वो बड़ी दिलचस्प होती है और सुनने में बड़ा मजा आता है। दुर्रे नजफ़ के हवाले से और भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन हमारे पास एक कॉलर है, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैम मैं हरिपुर से बात कर रही हूँ। नसीम। हरिपुर से बात कर रही है? नसीम अख्तर। नसीम अख्तर जी क्या कहना चाहेंगी? मैम मैंने अपने बेटे के मुतालिक बात करनी है। जी बेटे का नाम? मोहम्मद जुनेद खान। मोहम्मद जुनेद खान। अच्छा टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दें, मुझे मेरी आवाज़ दोबारा। अच्छा मोहम्मद जुनेद खान, क्या कुछ डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1994। ठीक है, और कहाँ पैदा हुए थे? ये हरिपुर में ही पैदा हुए हैं। हरिपुर में ही, ठीक है, और वक्त क्या होगा? वक्त मैम 3:30 बजे का था, मैंने मैम ये पता करना है। अच्छा 3:30 सुबह के, शाम के या फिर रात के? दिन के। दिन के, ठीक है, अब बताएं क्या पूछना चाह रही हैं? हाँ जी मैम मैंने ये पूछना है, मेरे बेटे ने पिछले साल ऐसे सी की है तो ये बाहर जाना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा तो पिछले साल इसने टेस्ट दिए थे उसमें से इसके नंबर अच्छे आए थे, पास हो गया था, लेकिन बस इसका काम नहीं हो सके, तो इस साल ये फिर ट्राई करना चाहते हैं, तो क्या इसको बाय स्कॉलरशिप मिल जाएगी?
चलिए अभी पूछ के बताते हैं, वैसे आप दुआ करें तो उनकी जरूर मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मदर्स बड़ी अच्छी होती है और उनको हमेशा अपने बच्चों की जो है ना वो टेंशन लगी रहती है कि उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। और आप तो कहते हैं ना कि आपको किसी पीर की ज़रूरत ही नहीं, अगर आपके पास माँ है तो आप खुद मदर हैं, अपने बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं करें। इंशाल्लाह ताला जावा साहब भी आपको बहुत अच्छा गाइड कर लेंगे और कोई बेहतर सूरत हाल जो है वो ज़रूर निकलेगी। जी क्या कहना चाहेंगे? आप इनका सवाल ज़रा रिपीट कर दीजिए प्लीज़। जी ये पूछना चाह रही है कि बेटा जो है वो मेरा बाहर जाना चाहता है, पिछले साल उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे स्कॉलरशिप के लिए लेकिन सिलसिला नहीं बन सका, फिर भी कोई रुकावट आ गई, तो क्या वो पूछ रहे हैं कि क्या इस साल वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई सीन बन जाएगा? नहीं, इस साल भी इनको जाने का चांस मिलना मुश्किल है, अगले साल ये ट्राई करें तो बेहतर है। इनके 9th हाउस में इस वक्त सैटर्न मौजूद है और 9th हाउस का लॉर्ड मार्स है, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि नेगेटिव होने जा रहा है, तो ये बड़ा अहम होगा कि ये इस वक्त नहीं जा सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ईयर अगर ये ट्राई करें तो ज़रूर ये जा सकेंगे। चलिए जी ठीक है। अच्छा एक और कॉलर है, उसके बाद ज़रा ये मार्स के हवाले से भी बात करते हैं, ये मार्स ने इतना क्यों तंग किया है हम सबको। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमना है, 22 जनवरी 1989 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 22 जनवरी 1989, ठीक है। 89 कहाँ पैदा हुई थी? जी टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, गुजरात में पैदा हुई, गुजरात के एक गाँव ककराली में। ठीक है, क्या पूछना चाह रही है आमना? जी मैं अपनी हेल्थ के बारे में पूछना चाह रही हूँ, बहुत खराब है, और शादी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, आप रिश्ते वगैरह अभी देख रहे हैं आपके घर वाले? जी जी देख रहे हैं, तो कोई मसले आ रहे हैं, तो ये पूछना था कब तक हो जाएगी और कैसी रहेगी, खानदान में होगी या बाहर होगी, और सेहत बहुत खराब रहती है, मेरे का मसला है। टेंशन लेती रहती होंगी ना आप हर वक्त, ऐसा ही है? नहीं, कोई अल्लाह के कर्म से कोई टेंशन कोई नहीं लेती, लेकिन फिर भी जो है ना सेहत बहुत अच्छा हो गया, खराब है, डॉक्टर साहब जो है ना टेस्ट रिपोर्ट वगैरह कराई है तो बोलते हैं कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे मेदे का बहुत ज्यादा मसला है। फिर आप खुश रहा करें, ठीक है, अब भी बताते हैं। थैंक यू बहुत, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आधे से ज्यादा जो हमारी गर्ल्स है ना वो परेशानी में हमेशा रहती है, या तो आपको करियर की परेशानी होती है या फिर हमारे यंगस्टर्स को शादी की, जॉब की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अल्लाह पाक पे छोड़ देनी चाहिए। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान ज़रूर होती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि जब चीज़ें मेरी बिल्कुल सही हो गई हैं, सेटल डाउन हो गई हैं, और जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हालात और चीज़ें जो हैं वो अल्लाह मियाँ ने बहुत खूबसूरत मेरे लिए डिज़ाइन की हुई थी, और वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, तब मैं सोचती हूँ कि मैं परेशान क्यों हो रही थी, मैंने अपना वो सारा टाइम परेशानी में क्यों ज़ाया किया। तो ये जो चीज़ें मैं और अब जो है मैंने परेशानी लेना बहुत छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, चीज़ें अल्लाह पाक पे छोड़ दिया करें, उसने आपको बनाया है, उसी को आपकी फ़िक्र है, और वही आपकी सारी सिचुएशन में आपको आजमाइश में भी डालता है, आजमाइश से निकालता भी है, फिर रिवॉर्ड भी आपको देते हैं। तो परेशान किसी भी चीज़ को लेके मत हो, शादी का भी जो टाइम है इंशाल्लाह ताला उसमें शादी हो जाएगी। बहुत सारे टाइम में हम चीज़ों को लेके परेशान होते हैं, उसकी वजह से हमारी हेल्थ इफेक्ट हो जाती है। जावा साहब क्या कहना चाहेंगे आमना के बारे में? आमना के मैटर थोड़ा सा डिफरेंट है जी, इनको थोड़ा सा इवल फोर्सेस का मैटर है इनका, और ये जो बता रही हैं कि इनके टेस्ट सब क्लियर आते हैं वो इसी वजह से क्लियर आते हैं क्योंकि ये मेडिकल मामला नहीं स्पिरिचुअल है। इनसे मैं कहूँगा कि ये कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लें, बाद में मुझसे बात कर लें, मैं इनको इसका प्रॉपर हल बता दूंगा कि ये हल है इसका, इस तरीके से इसको कर लें। इनकी शादी भी इसी वजह से रुकी हुई है, अदरवाइज़ इनकी शादी 2 साल पहले तकरीबन अंजाम पजीर हो गई होती, तो ये अगर अपना हल कर लेंगी तो इनका शादी वाला मैटर और हेल्थ वाला दोनों इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। जाओ सब इस मामले में बड़े अच्छे लगते हैं, कोई भी परेशानी हो फंड्स कह देते हैं, हालात सही हो जरूर हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं, वो बड़ी अच्छी एक होप रहती है। आमना आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं कंट्रोल रूम से, PCR से आपको जो है वो जावा साहब का नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज अगर आपकी कॉल नहीं मिलती तो शेख रज़ा ज़वार जावा साहब का जो पेज है वो फेसबुक पे भी है, आप जिसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी इनकी डिटेल जो है वो आपको मिल सकती है। अभी मुझे जाना है ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे, आपके बर्थ चार्ट्स बनाएंगे, आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, बातें होंगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सत्सवेरा मदी हदात के साथ लाइव प्रोग्राम है 8466006 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, नंबर हो जाएगा 0518446606। ओवरसीज पाकिस्तानी डायल करेंगे 0092518466007 हमारा कंप्लीट नंबर है जिस पर आप रब्ता करेंगे। और आज हमारे साथ शेख जवार रजा जावा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, मामिया जंत्री में पिछले 8 साल से जो है वो लिख रहे हैं। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मुझे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताना होगा। और अगर लेट्स सपोज आपको अपनी टाइम ऑफ बर्थ में या प्लेस ऑफ बर्थ में या डेट ऑफ बर्थ में कोई किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो 1 से लेकर 249 तक आप कोई एक डिजिट सेलेक्ट करेंगे और हम आपका वक्ती जायचा जो है वो बना देंगे। ठीक है जी, शेख जवार रजा जावा साहब का फेसबुक पे भी इसी नाम से पेज भी है, आप उधर भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? नवीदा बीबी। टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दे वरना मेरे प्रोड्यूसर मुझे डांटना शुरू कर देंगे। आप चाहते हैं मुझे सुबह सुबह डांट पड़े? अच्छा, मैं हरिपुर से बोल रही हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी, किसका बर्थ चार्ट बनवाना है? मुझे अपने बारे में पूछना है। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1979 89। ठीक है, कहाँ पैदा हुई थी आप? हरिपुर में। हरिपुर में पैदा हुई थी, टाइम याद है? टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन सुबह का है, एग्जैक्ट क्या याद नहीं है। अच्छा, सुबह का टाइम है। अच्छा, मुझे बताएं पूछना क्या चाह रही हैं? मुझे अपनी औलाद के बारे में पूछना है और कुछ माली हालात भी करनी है तो उनके बारे में। औलाद के बारे में और माली हालात के बारे में, मतलब माली हालात ठीक नहीं है। अच्छा, आप मैरिड हैं ना? जी मैरिड हूँ। अच्छा, ये कुछ ठीक है, ठीक है, मुझे वो कन्फ्यूजन होगी, मुझे औलाद का समझ नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगी? चलिए जी, थैंक यू सो मच नवीदा कॉल करने का, और अल्लाह पाक आपको खुश रखे और औलाद जैसी नेमत से जो है वो आपको ज़रूर नवाजे। एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है आपको, और वो कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एक ब्रिज का रोल प्ले करता है। और अगर आपकी औलाद हो जाए फिर आप एक दूसरे को से लड़ाइयाँ भी बड़ी कम हो जाती हैं, फिर आपको बच्चों की फिक्र पड़ जाती है। चलिए जी, अभी पूछते हैं जी, नवीदा नाम है इनका, हरिपुर में पैदा हुई है 1979 इनकी वो जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, और सुबह के टाइम पैदा हुई हैं। अपनी औलाद के बारे में जानना चाह रही हैं कि कब होगी और माली हालात कब सही होंगे। नवीदा के बाय बर्थ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, स्टार्स के हवाले से, वैसे तो ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं है, स्टार्स के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जहाँ कि इनकी, जहाँ पर इनकी पैदाइश के वक्त है, ट्रांजिट में भी इस वक्त वहीं पे है, तो मैं इनसे कहूँगा कि इस साल तो थोड़ा मुश्किल है कि आपको औलाद वाला मामला आप कर लो, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ, परवरदिगार मेहरबानी करेगा, आपको ज़रूर मालिक में की नवाजिश हो जाएगी। माली मामलात के हवाले से ये है कि अक्सर मेरी बहनें वो ये पूछती हैं कि हमारे माली मामलात, लेकिन उसके लिए वो पार्टिकुलर्स अपने बता रही होती हैं, जबकि वो तो जस्ट हाउसवाइफ हैं। ठीक है, उनको अपने शोहर का बताएं जो काम कर रहा है। अच्छा चलिए, ठीक है, हम इसमें आज़म पे बात कर लेंगे, उसके हवाले से हम बता देंगे रिस्क की कुशादगी के लिए। लेकिन अगर आपने, आपको अपने माली हालात बेहतर करने तो आपको अपने हस्बैंड का जो है वो नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जो है बताना होगा। हमारे पास एक कॉलर है, आइए जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है? हाँ, मेरी बेटी का नाम है मरियम। मरियम कहाँ पैदा हुई थी? लाहौर में। लाहौर में, डेट ऑफ बर्थ क्या है मरियम की? 88 23 मार्च। 23 मार्च, ठीक है जी। और टाइम याद है आपको? मेरा ख्याल 9 बजे का टाइम था, सुबह का। सुबह का 9 बजे जी। पूछना क्या चाह रही हैं? बेटा मेरी बेटी को ना जॉब नहीं मिलती ना, इतनी पर एमफिल किया हुआ है उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसकी जॉब ही नहीं कहीं होती। वो लेक्चरशिप चाहती है, लेक्चरशिप भी नहीं होती, कुछ भी जॉब नहीं होती, और माली हालात भी उसके ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मरियम जो है वो मैरिड है या नहीं? बेटा मैरिड है, 2 बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं। चलिए ठीक है, अभी जो है वो हम पूछ लेते हैं इनके हस्बैंड की, चाहिए आपको कि माली मामलात के लिए अगर ये खुद करती हैं तो फिर इनका ही चलेगा। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी जो है बताते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और सबके माली हालात जो है वो बेहतर करे, सबके रिस्क में कुशादगी करे ताकि आप लोग जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और साथ साथ जब भी आपके माली हालात बेहतर हो तो, और जब कम भी हों आपके पास पैसे तब भी
जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी ज़रूर आप जो है वो मदद करें। आप देखिए कि अल्लाह पाक कितना करम आप पे करेगा, इस चीज़ पे कभी भी कंजूसी मत किया करें, लोगों की मदद किया करें। ठीक है जी, मरियम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मरियम का जो जायचे में अतारत है जी, वो अच्छी पोजीशन में नहीं है, जो कि इनके छठे घर का हाकिम है, जॉब से मुतल्लिक है। तो मैं इनसे कहूँगा कि बुध वाले दिन 500 ग्राम जो है मुँह साबत का सदका दें और एक ज़मूरत पहने लिटल फिंगर में, इनका जॉब वाला मामला क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। और जो माली पोजीशन है इनकी, वो इस वक्त तो बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही, उम्मीद है कि अगस्त के बाद जाके माली पोजीशन की जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। बेहतर हो जाएगी जी, इंशाल्लाह। ठीक है जी। और जॉब में एक ये होता है कि आप मुख्तलिफ जगह पे इंटरव्यूज़ देकर आते हैं और देने भी चाहिए इंटरव्यूज़, कहीं से आपको पॉजिटिव जवाब आता है, कहीं से नहीं आता, तो दिल बर्दाश्त मत हो, अपनी जो मेहनत है वो जारी रखें, इंटरव्यूज़ देते रहें, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर जो है अल्लाह पाक भी आप पे करम करते हैं और आपको जॉब मिल भी जाती है। ठीक है, तो दिल बर्दाश्त मत हुआ करें। अगर लेट सपोज़ आप 20 जगह पर गए हैं, आपको उसका जवाब नहीं आया, तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से आपका रिस्क का जो है वो ज़रूर कोई ना कोई सिलसिला बनेगा अगर आप मेहनत इसी तरह से जारी रखेंगे। हमारे पास एक और कॉलर है, आइए देखते हैं वो हमसे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मदिया आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ, सना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी सना, क्या पूछना चाह रही हैं? मैं अपनी शादी के बारे में पूछना। शादी के बारे में? सना कहाँ पैदा हुई थी? रावलपिंडी में। रावलपिंडी में, डेट ऑफ बर्थ क्या सना की? 1987, 27 नवंबर 1987। अच्छा जी, और क्या टाइम था कुछ याद है? हाँ जी, शाम रात का 8 बजे का टाइम था। रात के 8 बजे का, ठीक है। बस आप शादी से रिलेटेड पूछना चाह रहे हो? हाँ जी। चलिए, कब तक होगी और कोई सिलसिला, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? चलिए अभी बता देते हैं, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सना की कॉल थी और सना को जो है वो हम अभी उनका भी बर्थ चार्ट बनवाते हैं, और इसी तरह से जनाब आप भी अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। हमें चाहिए होगा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ में आप कंफ्यूज हैं तो 1 से लेके 249 तक आप कोई एक डिजिट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और आपका वक्ती जायचा जो है वो जावा साहब बना देंगे, और 8466006 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, नंबर हो जाएगा 0518446606। ओवरसीज़ पाकिस्तानी डायल करेंगे 0092518466607। ओवरसीज़ के लिए एक अलग टेलीफोन नंबर है। ठीक है जी, आप सत सवेरा देख रहे हैं मदीहा दाऊद के साथ। हमारे पास एक और भी कॉलर है, उनको भी जल्दी से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैंने ना, मेरा नाम सुमेरा फरहान है। जी सुमेरा, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। अच्छा, टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दें, फिर हस्बैंड के बारे में हम आपको बताते हैं। जी मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1986। अच्छा, टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दें, बंद कर दें, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं हस्बैंड का नाम क्या है? अच्छा देखिए, कॉल ड्रॉप होगी, इतनी मुश्किल से आप लोगों की कॉल मिलती है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ म्यूट का मतलब ये नहीं बंद कर दें, आवाज़ जो है ना, टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है आवाज़, उसको बिल्कुल आपने बंद कर देना है ताकि बेहतर अंदाज में जो है वो मैं आपको सुन सकूँ और आपकी कॉल ड्रॉप ना हो। इस तरह से 2-3 आवाज़ें मुझे आ रही होती हैं तो कन्फ्यूजन मच हो जाती है और फिर समझ नहीं आता कि आपकी जो हम लोगों ने डिटेल्स लेनी होती हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, तो वो सब में एक समझ नहीं आ रहा होता ना, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, एंड प्लस आप किसी और भी बहुत सारे व्यूअर्स प्रोग्राम देख रहे होते हैं और किसी का जो टाइम है वो आपकी वजह से आप ग्रैब कर लेते हैं उसका टाइम, तो ऐसा मत करें, टेलीविज़न का वॉल्यूम म्यूट करें, अदरवाइज़ आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है जी, ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, मैं भी ड्रॉप नहीं करती, मेरे आपके सामने मेरे हाथ हैं, वो खुद से ही ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो 8466006 पर आप से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, सना का बता दें शादी कब होगी? सना की शादी थोड़ी सी लेट है जी, और मेरा ख्याल है कि अभी 2016 में जाके जनवरी से लेके और अप्रैल के दरमियान उनकी शादी एक्सपेक्टेड है। एक आध साल ही है, शॉपिंग कर सकती हैं आराम से। हाँ, बड़ी आराम से भी कर सकती हैं, तैयारी कर लें, तैयारी कर लें। लेकिन दूसरी बात यह है कि इनको शादी बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कंपेटेबिलिटी का इशू होगा, कंपेटेबिलिटी देखे बगैर शादी मत करें। तीसरी बात, इन्होंने सवाल किया कि इनकी पसंद की है या अरेंज मैरिज है, तो इनकी अरेंज मैरिज है, पसंद से शादी इनकी बहुत मुश्किल होगी।
नामुमकिन तो मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता, परवरदिगार बड़ा अजीम है, सही, लेकिन सही। थोड़ी मुश्किल होगी इनको अरेंज मैरिज। लेकिन शादी के बाद खुश रहेंगी जी। जिन लोगों को भी मैं ये कहता हूँ कि इनकी शादी में कुछ थोड़ी सी रुकावट है, उसका मतलब ये होता है कि उनको शादी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आनी होगी। दोनों चीज़ें हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। सेवन्थ हाउस में अगर कोई भी नेगेटिव स्टार है या किसी नेगेटिव स्टार की नज़र है वहाँ पे, दोनों सूरतों में रुकावट भी आती है और आफ्टर मैरिज कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। अगर है तो बता दें जी। इनके हवाले से सदका सना को जी, सना को जो है वो 500 ग्राम मूंग साबत का सदका देना चाहिए हर बुध को। अच्छा। ये इनकी जो अजदवाजी ज़िंदगी है उसके हवाले से बहुत अहम होगा। दूसरे मैं इनसे कहूँगा कि मेरी फेसबुक आईडी से जो है दुआए रद्द नुसरत शारगन पढ़ी, ये सेगिटेरियस हैं, तो इनकी 60-70 स्टार्ट हो चुकी है पिछले 2.5 साल से। इस ड्यूरेशन में शादी होना भी ये मामला बन जाता है, प्रॉब्लम ही होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसको रेमेडाइज कर लें, दुआ पढ़ना शुरू कर लें, अभी कुछ टाइम भी है, दोनों मामला इकट्ठे हल हो जाएंगे। चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथ मिसेस अजमल है, मेरी रेगुलर कॉलर, आइए उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस अजमल, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? सेहत ठीक है? बस ठीक है, थोड़ा रिकवरी की तरफ जा रही हूँ अब, बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि बस सेहत बहाल हो जाए काफी हद तक। आमीन। तो बस मेरे लिए दुआ किया करें, और आपके जो मेहमान हैं बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, इनसे भी कहें कि मुझे कोई ऐसी दुआ बता दें जो मैं पढ़ती रहूं जिससे मेरी दिन ब दिन बेहतरी की तरफ आए ना, हेल्थ आपकी ठीक हो जाए। ठीक है जी जी। और मदिया, आज जो कल का जो सहने है उस पे लोग अपना दुख और इजहार कर रहे हैं, तो मैं भी उसमें शामिल होना चाहूंगी कि मतलब हमारे माशरे में वो है कि देखिये जगह, जो जगह जलती है ना, आग जहाँ लगती है जगह वही जलती है। हमारे ये है कि देखिए हम चंद दिनों का दुख इजहार हम वो कर लेंगे कि हाँ, और हमारे देख लें कि हुक्मरानों में भी यही चीज है कि चंद दिनों की कदर है इंसान की, और उसके बाद सब भूल भूल जाता है, और किसी को मजलूम की सिसकियां दुख किसी को नहीं सुनाई देता बाद में। सही, और सही। वही बात है कि हम वक्त के साथ साथ इंसान की कदर करें, और वही बात है कि देखें जो मारने वाला है ना वो दरअसल खुद अंदर से मरा हुआ होता है, और वही बात वही है कि नसीब की के मरने वाले की किस्मत में जन्नत आ जाती है, मारने वाले के हिस्से में जहन्नुम आ जाता है। तो ये बहुत हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अब बातों की बादशाहत छोड़ के मजलूम की तरफ देखें, मजलूम की आवाज सुने, और हमें मतलब वो वाली तरक्की नहीं चाहिए जो दुनिया में सिर्फ मटेरियल रह जाए और इंसान इंसान और इंसानियत खत्म हो जाए। इंसान को पहले बचाना है, वक्त की कदर करनी है। मटेरियल को हम क्या करेंगे जब देखे इंसान इतनी तकलीफ में होगा, अक्सर के हालात देख ले, वहाँ माओ की सिसकियां उनकी दुख कोई नहीं सुन रहा, और देखें जब करेगा कोई भरेगा कोई, वही सीन चल रहा, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, चाहे वो अवाम है, चाहे हुक्मरान है, चाहे सियासतदान जो भी हैं, सब अपने किबले दुरुस्त कर लें। जब आपस में इत्तफाक होगा ना मदिया, तो अमन अल्लाह की तरफ से आएगा, आपस में इत्तफाक नहीं है। देखिए ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे पता नहीं सबको सॉरी सबको क्या चाहिए, चाहे वो सियासतदान हो हुक्मरान, मर कौन रहा है, सिर्फ गरीब आम अवाम जिसने कुछ भी नहीं किया होता। तो खुदा के लिए अब अपने गरीब लोगों की तरफ, आम अवाम की तरफ देखें, और एक दूसरे की खैर मांगे, अपने अमल दुरुस्त करें, छोटे छोटे लेवल पे खैर करें, नेकियां करें, और एक दूसरे का भला मांगे, मदद करें, हेल्प करें, और किसी को कुछ नहीं दे सकते तो खैर की दुआ कर दें कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकअल्लाह, और अल्लाह ताला आपको, हमको, पूरी कुल इंसानियत को, जो मजलूम है, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मिस्टर अजमल, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत दे, और मेरी ये दुआ है कि आप जल्द से जल्द जो है वो रिकवर हो इनकी भी। बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बड़ी अच्छी बात मिसेज अजमल ने की कि हम अब थोड़े से ना खुदगर्ज बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, यानी हम एक चीज़ देखते हैं उसको थोड़ी टाइम के लिए फील करते हैं, समटाइम्स तो इतने पत्थर दिल हो गए कि हम चीज़ों को सिर्फ कुछ आध मिनट के लिए फील करते हैं, जब देख रहे होते हैं तब थोड़े से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उसके बाद चैनल स्विच करते हैं, वी हैव यू नो 70 चैनल्स, तो हमारा मूड स्विंग्स अब चुटकियों में होते हैं, देन कोई भी ऐसी एंटरटेनिंग चीज़ लगा देंगे और पिछला जो गम है वो हमें भूल जाएगा। प्लीज़ ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उसमें देखें कि हमारे मज़लूम बहन भाई जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, और जिस तरह से मिस्टर अजमल ने कहा कि मटेरियल्स वगैरह इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, वो तरक्की ठीक है उसकी एक वो है कि वो होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मटेरियल्स ही रह जाएँ और इंसान जो है वो वहाँ पर एग्जिस्ट ही ना करें। तो इंसानी जान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिस तरह से इन्होंने थर की
ख़वातीन के माओं के बारे में कहा, तो आई थिंक एक जो माँ है जिस तरह से मिसेस अजमल है, जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चों को पाला है, बड़ा किया है, एक माँ जो है वो बड़े अच्छे बुरे टाइम देखती है अपने बच्चे के साथ, कभी वो सही है, हेल्दी है, कभी बीमार हो गया है, कभी उसके साथ कुछ एक्सीडेंट ऐसा हो गया, लेट सपोज जैसे छोटे बच्चों के साथ होता है, सीढ़ियों से गिर जाते हैं, चोटें लगा के आ जाते हैं और सब परेशानियाँ आके अपनी मदर के पास आ जाते हैं कि भाई ये सब कुछ हो गया, अब इसको सही करना है, और वो फिर माँ अपनी ममता से, अपने प्यार से, उससे कहीं ज़्यादा परेशान होकर वो इन सब चीज़ों को सही करती है। तो एक माँ एक दूसरी माँ का भी दर्द और तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती है, देख सकती है, यानी फ़ील कर सकती है कि जो थर में सब कुछ हो रहा है बच्चों के साथ। और अक्सर उन बच्चों की पिक्चर्स जो है, क्योंकि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया, आपको फेसबुक में हर चीज़ मिल जाती है, वो देख के मुझे भी हैरत होती है कि वो बच्चे बेचारे इतने कमज़ोर हैं, इतने वीक हैं, और किस तरह से उन नन्हे फूल जो हैं वो उनके साथ हम कितना जुल्म कर रहे हैं। तो प्लीज़ वाकई यहाँ पे जो है वो तमाम लोग जो कि इतनी पावर रखते हैं, अच्छे ओहदों पे हैं, उनको चाहिए कि अब वो सीरियस होके इन तमाम मसाइल का जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। अब डिस्कशंस बहुत होगी, लड़ाई झगड़े बहुत कर लिए हम लोगों ने, अब आप टॉक शोज लगाएं तो बंदा इंसान परेशान हो जाता है, तो थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो देना चाहिए, खुद गर्ज नहीं हो। 8466066 पे जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं, पीटी इस्लामाबाद के बारे से कॉल करेंगे तो 0561 का इजाफी कोड लगाएंगे, ओवरसीज पाकिस्तान डायल करेंगे 0092518466607 हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास एक कॉलर है, आइए जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है मैं साथ? आपी जी मुदस्सिर अब्बास बात कर रहा हूँ कमालिया सिटी से। जी मुदस्सिर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, कभी वीजा लग जाता है और कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है। अच्छा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ मेरी 1980 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। सही, और तारीख और महीना कौन सा है? जून का महीना है और 20 तारीख है। ठीक है, और आपकी कहाँ पे पैदा हुए हैं आप, कौन से शहर में? मैं जंग शहर में पैदा हुआ। जंग शहर में पैदा हुए, टाइम कुछ आपको मालूम है? फजर का टाइम था। मैं फजर का टाइम था, ठीक है। आप बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, चलिए अभी पूछ के बताते हैं। और कुछ जानना चाहेंगे? ठीक है, क्या मसला है, क्यों मेरे बाहर जाने के मसले में रुकावटें पैदा होती हैं? ठीक है, ठीक है, अभी पूछते हैं। और हर काम में मुश्किल, आप हर काम में मुश्किल है, मुसीबतें बिल्कुल साथ नहीं छोड़ रही हैं। बस ठीक है, आपने बाहर जाके पाकिस्तान को नहीं भूलना, ठीक है? ठीक है जी, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियां दे और आपकी ख्वाहिश जो है वो जरूर पूरी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुदस्सिर साहब की कॉल थी, जावा साहब 20 जून 1980 में पैदा हुए हैं, जंग में फजर का वक्त है और बाहर जाना चाहते हैं, बड़ी रुकावटें आती हैं। मदीहा मैं इनसे कहूँगा कि इनके बाय बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान से बाहर जाना भी मुश्किल है और जाके वहाँ पे सेटल होना भी मुश्किल है इनके लिए। अच्छा। बेसिकली इनका जो बाय बर्थ चार्ट है वो कोई बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं है। सही। तो इनको इस हवाले से स्टार्स के हवाले से कुछ रेमेडी की रिक्वायर्ड होगी, ये मुझे कॉल कर लें, मैं इनको रेमेडी बताता हूँ, ताकि अभी इनकी एज बहुत कम है और अब ये प्रॉपर तरीके से जो है वो अपनी लाइफ को अभी अगर स्टार्ट नहीं कर सके तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए स्टेबल होना। तो ये प्रॉपर रेमेडी कर ले, फिर इनके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये जो अभी बात आपको बता रहे थे कि हर मामले में रुकावट, ऐसा सिर्फ उस सूरत में होता है जब एट द बर्थ टाइम आपकी प्लेनेटरी पोजिशन जो है वो डिस्टर्ब हो। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद उनकी कोई बंदिश वगैरह कर दी गई है, तो आपके तवसल से मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा होता ज़रूर है लेकिन बहुत कम, सिर्फ 10% ऐसा होता है, और वो भी उसमें भी परवरदिगार ने कुछ ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि स्टार्स की जो ट्रांजिट है वो कई बार ऑटोमेटिकली उस ब्लॉकेज को खोल भी देती है। अच्छा, ऑटोमेटिकली जहाँ पे स्टार्स आपको नेगेटिव इफेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पॉजिटिव भी कर रहे होते हैं। सही सही। अच्छा, शेख जवार अजहर जावा साहब का पेज है फेसबुक पे, मैं फिर से नाम इनका ले लेती हूँ, आप नोट कर लें, और वो तमाम लोग जो कि जिनकी कॉल नहीं मिल रही या कॉल ड्रॉप हो रही है बट यू हैव फेसबुक, तो आप वहाँ पे जावा साहब से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नाम है जनाब शेख जवार रजा जावा, इस नाम से जो है इनके अपने नाम से फेसबुक पे इनका पेज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनबॉक्स कर दीजिए
और आपका पूरा जो मुकम्मल बर्थ चार्ट है यहाँ पे, तो हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम होता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई एक क्वेश्चन आप बता दें तो उससे रिलेटेड जो है वो हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आप अपना कंप्लीट बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो आप शेख जवार रजा जावा साहब के पेज पे जाइए, आप इजीली जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी, 8466606 पर आप हमसे रब्ता करेंगे, पीली इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड भी लगाएंगे। अच्छा जावा साहब, इसमें आज़म के हवाले से हम लास्ट प्रोग्राम में बात कर रहे थे। जी लास्ट प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, वो 110 अफराद का जो इसमें आज़म है उस पर अभी भी काम जारी है। आपको मैंने एक स्केच दिखाया है, वो कितनी डिटेल है। एक साहब की मैंने आपको दिखाया है, तकरीबन 120 कम्बिनेशंस उनके हमने दिखाए हैं कि इसमें आज़म के उनके। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अपने नाम तो लिख दिए लेकिन उनको कैसे डिलीवर किया जाए उसके लिए ईमेल आईडी उन्होंने नहीं दिया। तो ऐसे तमाम अफराद से मैंने वहाँ भी लिखा है, आपके इससे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी जो है वो ईमेल आईडी दें ताकि आपको भिजवाया भी जा सके। दूसरा, अभी भी कुछ ऑप्शंस कुछ लोगों के लिए मौजूद हैं, अगर वो अपना इसमें आज़म जानना चाहते हैं तो अपना नाम और ईमेल आईडी वहाँ पे मेरे फेसबुक पे लिख दें, उनको अभी भी ये सहूलत मौजूद रहेगी। चले जी, फ्री आपको जो है इसमें आज़म आपके नाम के हवाले से आपको जो चीज़ चाहिए जो पढ़ना चाहिए वो बता देंगे जावा साहब। शेख जवार रजा जावा साहब के पेज पर अगर आप जाएंगे, अपना नाम लिखेंगे और साथ अपना ईमेल आईडी, ठीक है, ताकि वो आपको वहाँ पे ईमेल कर सकें। ये बहुत ही एक लेंथी प्रोसेस होता है, उसके बाद आपके नाम के मुताबिक आपको जो इसमें आज़म है वो बताए जाते हैं। अभी भी चांस है जनाब, आप जाइए, अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर, ताकि कंप्लीट डिटेल रखें, तो जावा साहब जो है वो आपको आपके इसमें आज़म जो है वो बता देंगे। एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ, शेख जवार रजा जावा साहब, ठीक है जावा साहब, तो ये प्लीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपनी कम्प्लीट वहाँ पर ईमेल आईडी दीजिएगा, आपको ईमेल जो है वो आ जाएगी। आई थिंक हमारे पास कॉलर है कोई। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं नाम नहीं बताना चाहती। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, हस्बैंड क्या पूछना चाह रही हैं? इनके माली हालात के बारे में। माली हालात के, हस्बैंड का नाम बता दें। मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ, ठीक है जी। कहाँ पे पैदा हुए हैं? क्वेटा में पैदा हुए। क्वेटा में, ठीक है जी। तारीख पैदाइश क्या है? 12 मार्च 1969। ठीक है, और वक्त मालूम है आपको? वक्त तो सही नहीं पता लेकिन रात का टाइम। अच्छा रात का टाइम है, ठीक है। माली हालात के बारे में जानना चाह रही हैं? जी जी ठीक है, और कुछ जानना चाहेंगी? नहीं नहीं शुक्रिया। चलिए बहुत शुक्रिया, अभी बता दें आपको, ठीक है जी। हमारी बड़ी अच्छी कॉलर थी लेकिन नाम नहीं बताना चाह रही थी, कोई बात नहीं। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपको अभी आप ये बताएंगे माली हालात के बारे में आपके हस्बैंड के, लेकिन मुझे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे और आपसे ही जो है बच्चा सबसे पहले आपके हस्बैंड का ही बनाएंगे, ठीक है जी। तो देखते रहे सत सवेरा मदीहा दाऊद के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सत सवेरा मदीहा दाऊद के साथ, लाइव प्रोग्राम है। 8466606 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, पिंडी इस्लामाबाद के पास से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड, ओवरसीज पाकिस्तानी डायल करेंगे 00925184666। टेलीविजन स्क्रीन पे भी जनाब अभी आपको नंबर जो है वो नज़र आ जाएगा जिस पर आप हमें रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद आपका और मेरा साथ जो है वो 20 मिनट्स का रह गया है, 20 से 25 मिनट्स का, तो कॉल कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट हम बनवाएं तो उसके लिए हमें चाहिए होगा आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। और अगर इसमें से किसी भी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हैं, आपको सही तरह से अपनी डिटेल्स मालूम नहीं है, तो 1 से लेकर 249 तक आपको एक डिजिट सेलेक्ट करेंगे और आपका वक्ती जायचा जो है वो हम बना लेंगे। ब्रेक में जाने से पहले मुझे मेरी एक बहन की कॉल आई थी और मोहम्मद अशरफ उनके जो हस्बैंड हैं उनका जनाब वो पूछना चाहती थी कि माली हालात कैसे बेहतर हों, तो उसके बारे में अगर आप बता दें। क्वेटा में पैदा हुए हैं इनके हस्बैंड और 12 मार्च
1969 इनकी है डेट ऑफ बर्थ, रात के टाइम है और माली हालात के लिए थोड़ी परेशान है। इनके माली हालात पिछले 2 साल से तकरीबन जो है वो डिस्टर्ब चल रहे हैं और ये सितारों की पोजीशन की वजह से है। इंशाल्लाह इस साल अगस्त के बाद इनके माली हालात में बेहतरी आ जाएगी और अगर ये चाह रही हैं कि उससे भी पहले हो जाए तो मंगल वाले दिन 900 ग्राम दाल मसूर का सदका दें और अपने हस्बैंड को दुआ रद्द नुसत शारगान दें पढ़ने के लिए, जो ये 9 मरतबा सुबह और 9 मरतबा रात को पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनका ये रिस्क वाला मामला बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, जो मार्स का आप कहते हैं कि वो पता नहीं आया हुआ मार्स या सैटर्न के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे, ये अगस्त तक खत्म हो जाएगा? अगस्त तक, जी अगस्त तक। ये इस वक्त जो है वो टॉरस में है और कल इंशाल्लाह ये जो है वो जेमिनी में चला जाएगा। तो फिर उनका बुशल टाइम शुरू हो जाता है जिसमें ये जाते हैं? देखिए कोई भी स्टार जो है वो ट्रांजिट करता हुआ जहाँ पे जाता है एक तो उस जगह को डिस्टर्ब करता है, अगर वो नेगेटिव वहाँ पे है तो उस हाउस को भी डिस्टर्ब करता है, उन ब्रूज को भी डिस्टर्ब करता है जो कि उससे रिलेट करते हैं, यानी जिनका वो लॉर्ड है। ठीक है, तो मार्स जो है वो एरीज और स्कॉर्पियो का लॉर्ड है। अच्छा, ठीक है, इसको डिस्टर्ब करेगा और जेमिनी को डिस्टर्ब करेगा, तीनों। तो फिर सदका क्या दे सकते हैं हम? सदका जो है वो 900 ग्राम दाल मसूर मंगल वाले दिन इसका देना सदका है। इसके अलावा जो मैंने 9 मिर्चें बताई वो भी वो डेली बेसिस पे बेशक कर ले, बहुत अच्छी इतना सिंपल मैंने सदका बताया है। ये ऐसा सदका हम इमरजेंसी में करवा देते हैं कि फौरन आप यूज़ कुछ भी नहीं है। वो जो ड्राई वाली होती हैं, ड्राई वाली वो उसकी भी, अच्छा चलिए जबरदस्त, वो जो राउंड राउंड छोटी छोटी होती हैं बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, आपको राउंड मिल जाए, लंबी मिल जाए, लंबी भी होती है, जो मिल जाए आप। अच्छा ठीक है, हमारे पास एक कॉलर भी है, काफी देर से होल्ड पे, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं अमारा बात कर रही हूँ सऊदी अरेबिया से। कैसी हैं आप? चल चुके हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह आपका। अरे आप खुद बहुत अच्छी हैं। और सऊदी में कहाँ से कॉल करी है, किस शहर से? अल खुबर से। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। अच्छा, दमाम का है ये, दमाम का टाउन है अल खुबर। अच्छा, तो मुझे एक्चुअली, हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछना था कि वी जस्ट मूव्ड हियर फ्रॉम यूएस, तो मुझे ये पूछना था कि क्या ये हम लोगों के लिए यहाँ पे, मेरे हस्बैंड ही इज सीपीए एंड ही इज वर्किंग इन अर्नेस्ट एंड यंग अकाउंटिंग फर्म, तो उनके लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना उनके लिए फायदेमंद है या नहीं, कि इस पे थोड़ी सी हमें गाइडेंस दे सकेंगे प्लीज? ठीक है ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए जावा साहब, इनके हस्बैंड का, अच्छा आप मुझे अपने हस्बैंड का नाम बताएं फिर। हमारा वकास अली खान। वकास अली खान, ठीक है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 जुलाई 1978, ठीक है, और वो कहाँ पैदा हुए हैं? हाँ, किस सिटी में? वो इस्लामाबाद में पैदा हुए थे, गुजरांवाला में आए थे। गुजरांवाला में, ठीक है, और गुजरांवाला ये इस्लामाबाद, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में ही पैदा हुए वो। हाँ, आपको पता ही नहीं आपके हस्बैंड कहाँ पैदा हुए हैं? है एक्चुअली वो यूएस मूव हो गए थे बहुत जल्दी, तो इतना वो पीछे का पाकिस्तान का बजट। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, और फिर तो आपको टाइम भी नहीं पता होगा, ऐसे ही है ना टाइमिंग्स का? हाँ जी, आप मेरी, मतलब मैंने सुना है, मैं अपनी मदर इन लॉ से कहती थी कि शायद मे बी सुबह का टाइम था, बट नॉट श्योर कि एग्जैक्ट टाइम क्या था। ठीक है, अच्छा, और आपको सऊदी इसकी? जी जी, सऊदीया में हमें 2 साल हो गए हैं इधर। 1.5-2 साल हो गए हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा, और जब सब कुछ अगर इनसे वो करवा ले 1 से लेके 249 तक, इनके पास कम से कम डेट तो कंफर्म है, 9 जुलाई 1978 इन्होंने बताया, ये तो कंफर्म है। अगर बहन कर सकती है तो मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर लें या मेरा नंबर ले लें, बाद में मुझे कॉल करके कंफर्म बता दें प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि इस्लामाबाद और गुजरांवाला के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बहुत फर्क है। ठीक है, आप फेसबुक पे तो डेफिनेटली होंगी हमारा फेसबुक पे? हाँ जी, यस यस, हाँ जी फेसबुक, ठीक है ना, आप फेसबुक पे है ना, तो ऐसा है कि आप शेख जवार रजा जावा साहब का जो पेज है उसको ज्वाइन कर लें और हस्बैंड से थोड़ा सा कंफर्म कर लें कि वो गुजरांवाला में पैदा हुए हैं या इस्लामाबाद में, और इसके अलावा टाइम ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भी अगर आपको मालूम हो जाए तो फिर ये कि आपका बड़ा प्रॉपर बर्थ चार्ट बन जाएगा इनके, आपके हस्बैंड का। ठीक है, अच्छा, तो अगर मेरे उससे नहीं पता चल सकता कि मुझे अपना तो पता है कि छोड़ सारी चीजें, चलिए आप अपना मुझे बता दें, आपका क्या है, आपकी क्या है डेट ऑफ बर्थ? इलेवेंथ अक्टूबर 1984। आप कहाँ पैदा हुई? लाहौर में, लाहौर सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे, ठीक है, और रात का दिन?
अच्छा जो मेरे हाथ का पेन है, सही, अपने बारे में फुल डिटेल मालूम है, हाँ हस्बैंड का कुछ नहीं पता है हमारा, चलिए हाँ जी तो अच्छा मुझे तो, एनिवर्सरी याद रहती है आपको अपनी? या एनिवर्सरी तो जून 1st को है हमारी इंशाल्लाह। ओह जून 1st को, शदीद गर्मी चलिए हाँ जी कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर का भी अभी निकाह हुआ है और शदीद गर्मी में हुआ है, उसके बाद मैंने कहा था गर्मियों में शादी करना सबसे बड़ा मुश्किल तरीन काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। चलिए तो आप फिर मेरा भी पूछ के बता दे क्या मेरे वक्त हमारे लिए ये सूटेबल है सऊदीया में रहना लॉन्ग टर्म, ठीक है, और बच्चों के बारे में इस तरह सारी चीजें प्लीज आप बता दें। ठीक है, माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं, एक बेटी है 6 साल की अलीना उसका नाम है, और बेटा है 2 साल का, 2.5 साल का शहाबुद्दीन। ठीक है अभी बता देते हैं आपको, सही है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इतनी दूर से आपने कॉल की, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी पूरी फैमिली को, क्यूट सी फैमिली फील आ रही है कि बड़ी कोई क्यूट सी फैमिली होगी, तो आप सब खुश रहे। और जी जावेद साहब क्या कहना चाहेंगे, इनकी इनका बर्थ चार्ट देखिए। इनका चार्ट जो है जी वो ये बताता है कि इस वक्त तो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस साल के आखिर में नवंबर से 18 महीने के लिए इनके लिए प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान से बाहर क्याम करना, और उस वक़्त में हो सकता है कि इनको वापस आना पड़ जाए। अच्छा चूँकि मैं इनके हस्बैंड के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ इनके बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे कई केसेस हैं जिसमें फैमिली को वापस आना पड़ता है एडजस्टमेंट के लिए, हस्बैंड वहीं रुक जाते हैं, तो इनके हस्बैंड के बारे में तो एटलीस्ट जब ये मुझे बताएंगी फिर बात कर सकूँगा। इनके बारे में ये है कि अगले नवंबर 2015 से 18 महीने के लिए इनके वहाँ पे रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। एंड मुमकिन है कि इस सिचुएशन में इनको वापस आना पड़ जाए। अच्छा ठीक है, लेकिन इसकी कोई रेमेडी वो सब कुछ तो हो सकता है? इसकी रेमेडी थोड़ी सी मुश्किल है, जब ये मुझे कॉल करती हैं या फेसबुक पे ज्वाइन करती हैं तो मैं इनको बताता हूँ, थोड़ा सा टफ है ये मैटर इसको कवर अप करना, लेकिन नामुमकिन कभी कुछ नहीं होता, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हम बताते हैं कि ये आप कर लें, करने वाले पे डिपेंड करता है, वैसे तो माशाल्लाह बड़ी कॉन्शियस नज़र आ रही है और वेल नोन पर्सन है, इंशाल्लाह खैर इंशाल्लाह हालात बेहतर, अभी टाइम है हमारे पास, नवंबर तक का टाइम है, कम अज़ कम भी हमारे पास जो है वो 4-5 महीने हैं, तो ये इजीली जो है इजीली आप इससे जावेद साहब से जो है वो आप रابطہ कर सकते हो पेज पे, और वहाँ पे जो है वो आपको सारी आपकी जो भी बर्थ चार्ट की जो जैसे कहते हैं ना मुकम्मल डिटेल्स जो है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, आप इनसे जो है वो कांटेक्ट कर लेना। ठीक है जी, शेख जवार रजा जावा साहब के नाम से, बच्चों के बारे में भी कह रही थी, वहीं पे मुझे डिटेल दे दें, मैं इनको बच्चों का भी इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। चलिए जी ठीक है, आपके बच्चों के हवाले से भी आपको फुल जो है वो जो भी आप पूछना चाह रही हैं वो हो जाएगी, आपको डिटेल जो है वो जावा साहब से मिल जाएगी। 8466006 पे जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं, पिंडी इस्लामाबाद के बारे में कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, नंबर हो जाएगा 051-8446-6606, ओवरसीज पाकिस्तान डायल करेंगे 00925184666007 हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर जी। और हमारे पास आई थिंक एक कॉलर है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मदिया आप ही, मैं आमना बोल रही हूँ चकवाल से। जी आमना कैसी हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा आप ही, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/10/83। ठीक है, भाई का नाम क्या है? अरशद नवाज। अरशद ठीक है, और कहाँ पे पैदा हुए थे अरशद? चकवाल का एक गांव है लावा वहाँ में। ठीक है, और टाइम आपको मालूम है? टाइम तो शायद मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, पूछना क्या चाह रही हैं भाई के बारे में? जी उनके हालात के बारे में, वो 8 साल से दुबई में थे, अभी वापस आए हैं। ठीक है, तो उनकी कुछ मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और शादी भी नहीं हुई। अच्छा। उसके बारे में पूछना था कि शादी कब होगी और उनके जो जिंदगी में अभी क्राइसिस चल रहे हैं वो कब तक ठीक होंगे। ठीक है अभी पूछते हैं। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी? जी वो पहले एयरफोर्स में थे, वहाँ से छोड़ के गए, फिर 8 साल दुबई में थे, अभी वापस मतलब आए थे पाकिस्तान, वहाँ से एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिए गए हैं ना। अच्छा। तो मतलब एयरफोर्स से छोड़ के गए थे, अभी एयरफोर्स की तवील में ही है, तो मेरे अम्मी अबू काफी परेशान है उसकी वजह से, अगर मतलब उसी के बारे में पूछना था कि उनकी सजा कब तक खत्म होगी। ठीक है अभी पूछ के बताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आमना की कॉल थी चकवाल से, अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही थी कि हालात कब बेहतर होंगे और शादी कब होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये, आज से 8 साल पहले इनकी जो थी 7.5 साल पिछले यानी दिसंबर तक, 26 दिसंबर तक इनकी साठ सती चल रही थी। अच्छा। ये है उस साठ सती के असरात जो ये अब आफ्टर इफेक्ट्स में
फेस कर रहे हैं। अच्छा। और इनके चार्ट में मुझे कोई बहुत अच्छी पोजीशन नज़र नहीं आती, और जो मुझे नज़र आ रहा है वो एन मुमकिन है कि अगर ये केस थोड़ा सा और चल गया तो शायद इनको अरेस्ट जो है ये सज़ा भी हो सकती है इनको। अच्छा। ठीक है, और डेफिनेटली उसके बाद ही इनकी शादी का कोई सिस्टम बन सकेगा, उससे पहले मुश्किल है। और हालात में तब्दीली ये जो कह रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ हालात में तब्दीली जो है अगर कोई पॉजिटिव है तो अगस्त के बाद ही मतवक हो सकेगी इनके लिए। ये लिब्रा है, वीनस तो इस वक्त अच्छी पोजीशन में, लेकिन असेंडेंट में राहु मौजूद है। राहु चूँकि असेंडेंट में मौजूदगी जो है वो इनकी इनकी जो सोशल स्टेटस है उसको डाउन करेगा। सही। और अच्छी पोजीशन भी जो है वो ख़राब होती नज़र आ रही है, और जैसे ही वो बारहवें हिस्से में चला जाएगा, क्योंकि वो और उल्टा चलता है, वो राइट नहीं, वो लेफ्ट, मतलब राइट चलेगा, लेफ्ट नहीं चलेगा, एंटी क्लॉक नहीं चलेगा, तो फिर इनको कैद की सज़ा हो सकती है। तो परवरदिगार मेहरबानी करे, इस हवाले से मैं ये कहूँगा, ये तो मैंने बता दिया, हल बताता हूँ इनको जी जी। जो सबसे अहम है, इनसे मैं कहूँगा कि अपने भाई के लिए प्रॉपर तरीके से दुआ रद्द नुसरत शारगान पढ़ें, और 800 ग्राम कोयले का सदका जो है वो दें, ये इनको बहुत सूट करेगा। और इनकी जो मैंने बताया कि अरेस्ट हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, बल्कि अरेस्ट में सजा हो सकती है, ये हो सकता है, नॉट डेड। अच्छा, 800 जो काले कोयले हैं वो किसी गंदे नाले में फेंक दें, ये बड़ा मुख्तलिफ सा सदका है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, मुख्तलिफ है और बड़ी खास हालात में हम ये बताते हैं। ठीक है, इसका जरूर ये करें। अच्छा, मेरे पास एक और भी कॉलर है, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है भाई साहब? जी मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना, कैसी हैं? ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने बेटी के बारे में जरा पूछना चाहती हूँ। बेटी का नाम? माहरुख। माहरुख जी? जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1993 दिसंबर, 13 दिसंबर 1993। ठीक है, कहाँ पैदा हुई थी माहरुख? कराची में पैदा हुई। कराची में, और टाइम क्या था? टाइम 6 से 7 के करीब, शाम को, मगरिब का टाइम था। ठीक है जी, पूछना क्या चाह रही हैं? पूछना उनके मतलब शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। शादी के बारे में पूछना चाह रही हैं? जी जी, अभी आजकल भी एक रिश्ता आ रहा है, उसके बारे में भी पूछना चाह रही हूँ, वैसे भी पूछना चाह रही हूँ कि कब तक इंशाल्लाह। चलें ठीक है, इंशाल्लाह परेशान नहीं हो, अभी तो छोटी सी आपकी बेटी है, अल्लाह पाक बहुत अच्छी नसीब करेगा। ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। समीना की कॉल थी, अपनी बेटी माहरुख के बारे में पूछना चाह रही है कि शादी कब होगी। माहरुख के बारे में मैं ये कहूँगा जी कि इनकी शादी में रुकावट है, पैदाइशी तौर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और जो ये इस वक्त रिश्ता कह रही हैं, पहली बात तो ये कि इस वक्त बात बनेगी नहीं इनकी, और अगर बन गई तो ख़त्म होने के इम्कान बहुत ज़्यादा होंगे। मैं इनसे कहूँगा कि अगस्त तक इस बेटी की इंगेजमेंट ना करें, अगस्त के बाद जाके इनकी इंगेजमेंट करेंगी तो पोजिशन बेहतर होगी और बात बन भी जाएगी। अच्छा। और इनके लिए मैं कहूँगा कि ये सेक्रेटेरियस है, किसी भी सादात के मिजार पे एक ग्रीन चादर जुमेरात वाले दिन चढ़ाएं। अच्छा। ये सदके की नीयत से नहीं है, ये एक रेमेडी के तौर पे है, और 7 जो हैं वो मजहबी बुक्स जो हैं वो डोनेट करें किसी भी इदारे को। अच्छा। इसमें आप कलामुल्ला डोनेट कर सकते हैं, सूरह यासीन है, सिपारे हैं, या कोई भी इस तरह से जो है वो डोनेट करें, मेहरबानी करेगा परवरदिगार, इनकी ये मुश्किल हल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, और अगस्त तक अगर इस बेटी को एंगेज ना करें तो बेहतर होगा। अच्छा, और जिनके रिश्ते इस बीच के टाइम में आ रहे हैं अब? नहीं, सबके लिए नहीं है। अच्छा, सिर्फ इन्हीं के लिए? इनके लिए, सेगिटेरियस लोगों के लिए है। अच्छा ठीक है, ठीक, सबके लिए ऐसा नहीं है। सही सही, चले जी, अच्छा हो गया। 8466606 पे जो है आप हमें कॉल कर सकते हैं, पिनी इस्लाबाद के बाद से करेंगे कॉल तो उससे फिर 5-1 का इजाफी कोड ओवरसीज पाकिस्तान डायल करेंगे 0092518466607। कैंसेरियंस का कैसा दौर चल रहा है जावा साहब? कैंसेरियन का अच्छा है, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा उनको मुश्किल होगी, क्योंकि उनके 12th हाउस में मार्स आया है। भाई मार्स ने बड़ा सब बिल्कुल तंग किया। मार्स ने इनकी होप्स थोड़ी सी फिलफुल नहीं हो रही थी, ये मामला एक चल रहा था दोस्तों के साथ इख्तलाफात, जो पिछली बार हमने कहा था थोड़ा पैशन से चले। हाँ। लेकिन यहाँ पे मार्स की मौजूदगी जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव भी है। अच्छा। इनके खिलाफ कोई भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ नहीं हो सकेंगी, जो इनकी लेग पुलिंग्स करना चाह रहे होंगे वो अब ओपन हो जाएंगी, उनकी इनके उनके चेहरे जो है वो ओपन हो जाएंगे। अच्छा। और अच्छा रहेगा इनके लिए, अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इनको वो कैंसेरियन जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं स्पेशली, उनको कहूँगा कि आप किसी भी किस्म की जो है वो जज्बाती एक्टिविटीज़ से गुरेज करें, वरना आपको रिवर्स होना पड़ सकता है।
चैलेंज जबरदस्त हो गया, यानी कैंसेरियंस को पता चल जाएगा कि उनके दुश्मन बेनकाब हो जाएंगे। हाँ, ये बड़ा स्टार्स जहाँ पॉजिटिव एक्टिविटीज देते हैं नेगेटिव होके भी, वहाँ नेगेटिव जहाँ देते हैं वहाँ पॉजिटिव भी देते हैं, दोनों तरह के इफेक्ट्स देते हैं ये। सही सही, जबरदस्त हो गया। अच्छा, एक और कॉलर है, उनकी जाने भी हम बढ़ेंगे, फिर मैंने क्वेरियंस का भी पूछना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं फिजा बात कर रही हूँ पेशावर से। क्या बात, कौन बात कर रही है? फिजा। फिजा, फिजा इतना आहिस्ता क्यों बोल रही है? अभी आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज बचपन से आ रही है। क्या कहना चाहती है फिजा? जी, मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूं। मेरी एंगेजमेंट हुई है। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ अम्मी घर में नहीं है, मुझे पता नहीं है, बट 1900 में हुआ था। अच्छा, 1 से लेके 249 तक कोई एक वर्ड सिलेक्ट कर लो, कोई एक डिजिट। 1 से आप क्या कह रही थी? 1 से लेके 249 तक कोई एक डिजिट सिलेक्ट कर लो, 249 तक। अच्छा, 23। ठीक है, अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिजा जी। अब बताएं, मंगनी हुई भी है और मैं पूछना चाह रही हैं। नहीं, पूछना क्या चाह रही, मंगनी हुई है तो बात तो ठीक है, शादी वहीं पे हो जाएगी। खुश जी, बहुत सारे इम्कान है कि शादी भी वहीं पे हो जाएगी, लेकिन फिलहाल नहीं, शायद थोड़ा सा डिले का इनको अच्छा सामना करना पड़े। ये रिश्ता को ख़त्म मत करें, थोड़ा सा इंतजार कर लें, इस साल नहीं अगले साल जाके शादी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा इनके लिए। चलिए जी, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब क्या इतना टाइम है कि मैं एक्वेरियंस का पूछ सकूँ या हम? अच्छा, एक्वेरियंस का बता दें जी, क्या हालात हैं जल्दी से? एक्वेरियंस के हालात बहुत अच्छे तो नहीं है, सैटर्न जो है वो रिवर्स कर रहा था और अब जो है वो स्कॉर्पियो की तरफ चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इनको अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से ध्यान से चलना पड़ेगा। अच्छा, बड़ा ध्यान से इनको चलना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी भी कभी किसी भी जो जॉडिक साइन होता है उसका रूलिंग प्लेनेट जब नेगेटिव होता है तो वो सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी को डैमेज करता है। अच्छा, यानी पर्सनैलिटी के लिहाज से थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जावा साहब, अदरवाइज मैं आपसे बहुत ढेर सारी और बातें भी करती। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मदिया, लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कुछ इसमें उसना मैंने पिछली बार भी बताए थे, पिछले दो प्रोग्राम में मैंने उनको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, स्पेशली कराची वर्ग के जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए और पूरे मुल्क में हादसात से और अल्लाह मुश्किलात के लिए, या कदीम हो या दायम हो या फ़र्द हो या वितर हो या हय हो या कयूम हो या वाहिद हो या अहद हो या समद हो, ये 9 इस्मा हैं, मेरे फेसबुक वाली आई डी पर भी हैं, इसको डेली पढ़ें, कम अज़ कम एक तस्बीह पढ़ें, ताकि आप ऐसे किसी भी नागहानी हादसे से और मुश्किलात से जो है वो महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया जावाद साहब, आपका प्रोग्राम में आए और हमेशा इतनी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें आप हमारे साथ करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात रहेगी। एवरी थर्सडे जो है वो जावाद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। और यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगी कि जावाद साहब का जो पेज है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको और मेन जो भी डिटेल्स या जो दुआएँ या इसमें आज़म की बताते हैं वो वहाँ पर भी उन्होंने शेयर किए होते हैं। अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते तो शेख जवाहर रजा जावा साहब के पेज से आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल जुम्मा है और डॉक्टर सजाद साहब हमारे साथ होंगे, उनसे सेहत के हवाले से बातें करेंगे। लेकिन अभी के लिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।